नमस्कार, सलाम, स्वागत। एक छोटी सी सूचना आई है आप सभी के लिए। तबीयत ठीक है मेरी, बस थोड़े से चक्कर आ रहे हैं, दिमाग घूम रहा है। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, मध्य प्रदेश, इस विश्वविद्यालय से आए हैं पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म। यदि आप रुचि रखते हैं इस विश्वविद्यालय में आवेदन और एडमिशन लेने के लिए, तो इस वीडियो को देखिएगा। और इस विश्वविद्यालय की जो सूचना है पीएचडी की, उसको दो भागों में शूट किया गया है। तो ये पहला भाग आप देख रहे हैं, दूसरे भाग को आप कल देख पाएंगे, थोड़ा सा एडिट और कुछ डाटा आने के बाद में, ठीक है। तो ये पहला वाला भाग है जिसमें मैं आपको सीटों के विषय में बताऊंगा, किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं, लास्ट डेट वगैरह क्या है, कितनी फीस है और एग्ज़ाम का पैटर्न, ठीक है। सीट फीस और एग्ज़ाम का पैटर्न और बाकी चीज़ें आपको कल के वीडियो में मालूम चलेगी। तो वीडियो को आपके पास जितना समय और जितनी समझ है उतना देखिएगा। अब चलते हैं सीधे नोटिफिकेशन पे और किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं। उसको बताने से पहले आपको बता दूं कि 22 फरवरी 2022, ठीक है, आपने सही सुना, मैं भी एक बार देख लेता हूं। जी हां, 22 फरवरी 2022 तक आप अप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और यदि आप 22 फरवरी के बाद फॉर्म को भरेंगे तो आपको लेट फीस देनी होगी, और लेट फीस थोड़ी ज़्यादा है, तो इसीलिए लेट फीस का इंतज़ार मत कीजिए। 22 फरवरी 2022 तक, और इस डेट में 5x2 आया है, और ये फॉर्म आया था 4x2 की डेट पे। फॉर्म आया है 2 फरवरी को और लास्ट डेट है 22 फरवरी, ठीक है। और यदि आप लेट फीस के साथ फॉर्म सबमिट करते हैं जो कि 28 फरवरी है, तो आपको ₹500 एक्स्ट्रा देने होंगे फीस में, ठीक है। और फीस कितनी है वो आप नोटिफिकेशन में और वेबसाइट पर देख लीजिएगा, और इस डेट्स का ध्यान रखिएगा। और एग्ज़ाम जो इसका होगा, MCQ माध्यम से सवाल जवाब पूछे जाएंगे। MCQ माध्यम आप समझते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। एक सवाल, उसके चार जवाब, एक जवाब का सही लगाना है निशान, और किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। पेपर इंग्लिश में आएगा, हिंदी में आएगा, पेपर का सिलेबस क्या होगा, पुराने क्वेश्चन पेपर वगैरह, ये सब बातें आपको वीडियो के सेकंड पार्ट में देखने सुनने समझने को प्राप्त होगी। और सिनॉप्सिस की बात भी हम उसी वाले वीडियो में करेंगे। अब चलते हैं वीडियो अगले पार्ट, सीट्स को लेकर, किस विषय में कितनी सीटें हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि लगभग 33 सब्जेक्ट हैं और टोटल सीटों की संख्या है 400 से ज़्यादा, ठीक है। 33 सब्जेक्ट हैं और 400 से ज़्यादा सीटें हैं। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सभी विषयों में आई हैं सीटें। तो हम पहले आपको सीटें बता देते हैं और उसके बाद कुछ सवाल आपका हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 सीटें हैं, केमिकल एंड एंथियो सेमेस्टर इंजीनियरिंग में 4, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 6, सिविल इंजीनियरिंग में 13, इलेक्ट्रिकल्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 7 और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 2, होम साइंस में 20, व्यवसाय प्रबंधन 25, विधि में 17, शिक्षा में 77, ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान, इसको क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इसमें 9 सीटें हैं। कंप्यूटर विज्ञान में 1, वाणिज्य में 20, पर्यावरण प्रबंधन में 1, माइक्रोबायोलॉजी में 5, प्राणिक में 2, बॉटनी में, इस प्राणिक को बायोलॉजी बोलते हैं, ठीक, बॉटनी में 16, फिजिक्स में 6, सांख्यिकी में 2, रसायन यानी कि केमिस्ट्री में 19, हिंदी में है ना। और इस विश्वविद्यालय में सोशल साइंस की जो बाद में बात करेंगे, कल रोक लेते हैं, ठीक है, कुछ सस्पेंस रहने दीजिए, थोड़ा सा आप भी सर्च कीजिए हम कहाँ थे। रसायन यानी कि केमिस्ट्री में 19 है, फिजिक्स में 12 है, ज्योग्राफी में 20, पॉलिटिकल साइंस में 12, इकोनॉमिक्स में 19, इतिहास में 6, और एक विषय है इसमें प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व, इसमें 3 सीटें हैं। चित्रकला यानी कि क्या बोलते हैं, आर्ट, फाइन आर्ट्स, इसमें 4 सीटें हैं। फिलॉसफी इसमें भी 4 सीटें हैं। संगीत में 8 सीटें हैं। उर्दू में 7 सीट है। संस्कृत यानी कि अब लैंग्वेज के कोर्स आए हैं, संस्कृत में 14 सीटें हैं, अंग्रेजी में 25 सीटें हैं, हिंदी में 16 सीटें हैं। तो ये टोटल सीटें हैं जिनकी संख्या है 400 से ज़्यादा। किसी सब्जेक्ट के लिए आपने सीटें ना सुनी हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और अगले वीडियो का वेट कर लीजिएगा। और यही कहूँगा, 22 फरवरी 2022 से पहले फॉर्म को भर दीजिएगा, और नहीं तो आप यदि 28 तक फॉर्म भरते हैं तो आपको लेट फीस देनी होगी, और MCQ माध्यम से पेपर आएंगे। और PhD की प्रवेश परीक्षाओं का सिलेबस क्या रहेगा,
पेपर हिंदी में आएगा या इंग्लिश में आएगा, पुराने पेपर वगैरह या पुराने पेपर का आइडिया वगैरह कहाँ से ले सकते हैं, और कुछ नियम कानून जो आपको मुझे बताने हैं, चाहे वह एडमिशन का हो, स्कॉलरशिप का हो, या फिर नंबर्स का हो, परसेंटेज का हो, रिजर्वेशन का हो, क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी है और स्टेट यूनिवर्सिटी में सेंट्रल के बहुत से नियम लागू नहीं होते हैं, तो कौन कौन से ऐसे नियम हैं इसका मैं आपको बताऊंगा कल के वीडियो में। और रिक्वेस्ट आपसे यही है कि फॉर्म भरने से पहले सभी नोटिफिकेशन वेबसाइट पे दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, उसके बाद ही आवेदन कीजिएगा। पढ़ने के बाद, जानकारियाँ देखने सुनने के बाद कोई डाउट हो मन में तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और कल आपसे बात करेंगे इसी विश्वविद्यालय के विक्रम जो विश्वविद्यालय है, ठीक है, इस विश्वविद्यालय के आए हुए सेकंड वीडियो की, ठीक है। इसको विक्रमशिला मत समझिएगा, विक्रमशिला एक अलग विश्वविद्यालय है और ये विक्रम विश्वविद्यालय, ठीक है। विक्रम विश्वविद्यालय अलग है और ये विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वह यूपी में है, ठीक है, और ये विक्रम विश्वविद्यालय है ये उज्जैन एमपी में है। नाम में कन्फ्यूज मत होइएगा, और अगली बार हम बात करेंगे वीडियो में सेकंड पार्ट में इसी यूनिवर्सिटी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपने समय दिया। जय हिंद, सलाम।